वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो वह है नर्मदा और सोन नदी। तवा किसकी सहायक नदी है? तो यह है नर्मदा की। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है कोसी नदी। निम्न में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महानदी को। इंदौर के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी स्त्रोत है? तो यह है चंबल नदी का। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है लूनी नदी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यह करती है नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। प्रसिद्ध भारत के निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो यह है नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो यह नहीं बनाती है महानदी। भारत में निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नदी नहीं है, डेल्टा नहीं बनाती है? तो यह ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी गंगा, गोदावरी और महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है चंबल की। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो यह गोदावरी नदी जो है वो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, बाकी नर्मदा, तावा तथा सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। निम्नलिखित नदी युग्म में कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह बहती है नर्मदा नदी। इस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो यह है ताप्ती नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी करती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी नदी। निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह है त्र्यंबक गांव। हिमालय पार की नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो यह है सबसे लंबी है ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी और फिर नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गंगा नदी।
किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो है गंगा की सहायक नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है मेघना के नाम से। भारत के सबसे अधिक नौगम में दो नदियां हैं, तो वह हैं नर्मदा गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा से में आकर मिलती है? तो वह मिलती है सोन नदी। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यह बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड और तिब्बत में। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी का। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर। निम्न में से कौन सी नदी नामचावरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो वह है इनमें से सभी सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश प्रवाहित होती है? तो वह प्रवाहित होती है बेतवा नदी। किस नदी को बिहार का सोख कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नहीं है? तो वह है सतलज नदी। हिमालय पार नदी है तो वह है सतलज नदी। बाकी झेलम, गंगा और रवि हिमालय इस पार की नदियां हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक बिनास नदी कहलाती है? तो वह कहलाती है कोसी नदी। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है दामोदर नदी। वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह है नर्मदा नदी। निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो वह है गोदावरी नदी। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो वह है गोदावरी नदी। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो यह है सतलज का। निम्नलिखित नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय बी के। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ये सही नहीं है। बाकी यह अमरकंटक से निकलती है, सही। मार्बल रॉक के समूह के बीच आती है, सही। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध स्थित है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है?
तो वह है अमरावती नदी। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो वह समाहित होती है लूनी नदी। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित हैं? तो वह है सोन नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है? तो वह है कावेरी, गंगा तथा महानदी। भागीरथी, अलकनंदा, गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो यह मिलती हैं देवप्रयाग में। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? तो यह हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु का उद्गम स्थल क्या है? तो वह है मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो यह बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश से होकर। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो यह है यमुना नदी। बाकी दामोदर नदी, चंबल नदी तथा सोम नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रृंखलाओं से बीच से होकर बहती है? तो यह बहती है नर्मदा नदी। बैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह है गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो वह है गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो यह है महाब्रह्मगिरी पर्वत। कावेरी नदी गिरती है? तो यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो यह है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कावेरी नदी को। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो यह है महाबलेश्वर के समीप। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की। निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो वह है नर्मदा तथा सोन नदी। दामोदर नदी निकलती है? तो यह निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो वह है लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? तो वह है गंगा नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो यह निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो यह है सोन नदी का। मानस किस नदी की उपनदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है? तो यह बहती है नर्मदा नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यह करती है नर्मदा नदी। निम्न में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो यह किया है कोसी नदी ने। नदी तथा सहायक नदियों का
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वह है गंगा नदी की सहायक नदी पेन गंगा है, ये गलत है। बाकी गोदावरी की इंद्रावती, कृष्णा की भीमा तथा लूनी की सुकरी नदी सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह है तावी नदी। ब्यास, रावी तथा चेनाब सिंध की सहायक नदियां हैं। सतलज का नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह है इनमें से कहीं भी नहीं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सी कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है, ये सही नहीं है। ताप्ती मध्य प्रदेश, गोदावरी महाराष्ट्र तथा महानदी छत्तीसगढ़ से उद्गमित होती है। सिंधु नदी का उद्गम होता है तो यह कैलाश पर्वतमाला से। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है? तो वह है माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है तो यह निकलती है गोरख गोमुख से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है मेघना के नाम से। निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो वह है बेतवा नदी। बाकी छिप्रा, काली सिंध तथा पार्वती नदी ये मिलती हैं चंबल नदी में। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी को। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है नारायणी के नाम से। कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो यह है ब्राह्मणी। बाकी साबरमती, श्रावती तथा माही नदी पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो यह बनाती है महानदी। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। अंतरस्थलीय अफवाह नदी का उदाहरण है? तो यह है घग्घर नदी। भारत में निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो यह है गोदावरी नदी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो यह है सोन नदी का उद्गम। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्त वाली नदी कौन सी है? तो वह है हुगली नदी। बेतवा नदी मिलती है तो यह मिलती है यमुना नदी से। निम्न में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो यह है कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो वह है हुगली नदी के मुख पर। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो ताप्ती। कौन सी नदी हिमालयी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो वह है गोदावरी नदी। बाकी सिंध, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा गोदावरी हिमालयी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में मिलती है? तो नर्मदा नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? तो वह है बनास नदी। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा में नहीं में आकर मिलती है? तो वह मिलती है कोसी नदी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। भारत में
भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। मोसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यहाँ है कृष्णा की। भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो कहा जाता है भिवानी को। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, यह किसमें जाकर समाप्त हो जाती है? तो यह जाती है बंगाल की खाड़ी में। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो वह है सोन नदी। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो वह है मंदाकिनी नदी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो वह है गोदावरी नदी का। निम्न में से कौन सी एक नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह है इंद्रावती नदी। बाकी हेमावती, अर्कावती तथा अमरावती, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो वह है महानंदा नदी। बाकी मानस, कामेंग नदी तथा सुवर्णसिरी नदी, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? तो यह मिलती है सतलज नदी से। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्न में से किस देश में बहती है? तो यह बहती है बांग्लादेश में। ताप्ती नदी निम्न में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो वह राजस्थान में नहीं प्रवाहित होती है। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? तो यह है बैतरणी नदी। काली नदी तथा धनधर तथा साबरमती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। बेतवा नदी निकलती है? तो यह निकलती है विंध्यान पहाड़ी से। निम्न में से भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है? तो वह करती है माही नदी। निम्न में से कौन सी नदी बिंध सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? तो वह बहती है नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनकी नदी बेसन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो वह है ऑप्शन डी, नर्मदा, ताप्ती, माही तथा साबरमती। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो वह है काली नदी। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो वह है हिमालयी नदी बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? तो वह है उपर्युक्त सभी, दबांग, कामेंग तथा लोहित।
काली नदी का दूसरा नाम क्या है? तो वह है यमुना नदी। कालिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो वह है यमुना नदी। केन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी नहीं सहायक नदी है? तो वह है यमुना नदी की सहायक नदी है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? तो वह है तीस्ता नदी। किस नदी की घाटी गहरी गड्ढा भूमि के लिए विख्यात है? तो वह है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे पानी परंतु निचले भाग में खारे पानी का प्रवाह मिलता है? तो यह मिलता है लूनी नदी में।